हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन बहुत ही सुहावना है और ऐसे मौसम में मैं आपके सबके लिए एक अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ। इसका नाम है कढ़ाई पनीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई पनीर के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 ली है मेरी शिमला मिर्च, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 250 ग्राम मैंने होममेड पनीर यूज किया है और 2 ली है मैंने यहाँ पे प्याज। पनीर को मैंने अच्छे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है धो कर के, और अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी सिंपल तरीके से। मैरिनेट करने के लिए पनीर को मैं मतलब आधा चम्मच डालूंगी इसमें अपनी लाल मिर्च, और आधा चम्मच ही नमक डालकर और आधा नींबू इसमें निचोड़ दूंगी मैं, और थोड़ी देर के लिए जब तक मेरा मतलब और तैयारी सब्जी के लिए होती है तब तक मैं इसको ढक करके मिक्स करके ढक के रख दूंगी ताकि अच्छे से पनीर मैरिनेट हो जाए। पनीर को मैरिनेट करने का फ़ायदा ये है फ्रेंड्स कि सब्ज़ी में मतलब फीका फीका सा टेस्ट नहीं आएगा, पनीर का आपके सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरह से मैरिनेट करके आप भी ये वाला तरीका एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गई थी, इसमें लहसुन भी हमें ऐड करना होता है, तो मैंने 2 मोटी क्लोज लहसुन के लिए हैं यहाँ पे। तो चलिए हम बाकी तैयारी करते हैं। तेल यहाँ पे मैंने गरम होने के लिए रख दिया था, 1 चम्मच तेल मैंने गरम कर लिया है, और जो हमारे जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए थे वो सब मैंने कट करके रख लिए हैं। अब सबसे पहले तड़के के लिए मैं इसमें 5 से 6 काली मिर्च, 2 लौंग, 2 हरी इलायची ये लिए हैं, जो सिंपल से मतलब जो बेसिक से खड़े मसाले हैं ये मैंने लिए हैं। सबसे पहले जीरा डाल लेंगे, जीरा 1 चम्मच लिया है मैंने। जीरा ऐड करने के बाद जो बेसिक से खड़े मसाले मैंने आप लोगों को ये बताए हैं ये डाल देंगे, और ये हल्का सा क्रैकल हो जाए उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी जो प्याज मैंने कट की है वो मैंने इसमें डाल दूँगी। प्याज गाज मैंने 3 प्याज मतलब ली हैं इसमें से, नहीं मैंने मतलब 2 प्याज ली थी जिसमें मैंने एक को तो बारीक बारीक इस तरह से लंबा लंबा कट कर लिया है, और एक प्याज को मैं मतलब कि वो मोटे मोटे जो एक एक उसके स्लाइस अलग अलग करके जो आप लोगों ने देखा वो कढ़ाई पनीर में होता है उस तरह से लेंगे। प्याज ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन ऐड कर दिया है। सब कुछ मोटा मोटा ही आप लोगों को चॉप करना है क्योंकि सब कुछ हमें बाद में ग्राइंडर में पीसना ही है, तो मोटा मोटा सब कुछ कट करके इसमें डाल लेंगे। इसके बाद मैं डाल दूँगी अपना जो टमाटर मैंने 3 लिए थे वो डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी मैं इसमें ताकि अपनी जो सब्ज़ियाँ हैं अच्छे से पक जाएँ। ढक कर के इसको मैं पकाऊँगी जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाती, और अच्छे से गलने के बाद मैं इन सब चीज़ों को ठंडा होने के बाद ग्राइंडर में पीस लूँगी। पीसने के बाद क्या करते हैं कि मैं इसको छानती हूँ ताकि कि हमारा जो भी जो मतलब हमने जो भी चीज़ें ऐड की हैं इनका कोई भी ये सब तब तक हमारा होता है, तब तक मैं दूसरी साइड में दूसरी कढ़ाई जो ले लेती हूँ उसमें 1 चम्मच तेल गरम करके हम इन सब चीज़ों को मतलब हल्का हल्का सा हमें फ्राई करना है इस तरीके से। सबसे पहले मैंने पनीर को जो हमारा मैरिनेट करने के लिए रखा था इसको तो 15 मिनट हो गए हैं, हल्का हल्का इसको मैं भून लूँगी, और जो फिर जो मैंने 1.5 जो हमारी शिमला मिर्च ली है उसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है क्यूब, और जो प्याज एक मैंने आप लोगों को बताया कि एक प्याज को भी क्यूब्स में कट करना है, और उसके हमें एक एक ऐसे छिलका कर करके एक एक छिलका अलग अलग उतार के कर लेना, फिर हम उसको भूनेंगे। यहाँ पे मेरा पनीर भूनने लग रहा है गाइस, देखें पनीर को हमें एकदम काला नहीं करना है, बस हल्का हल्का गोल्डन सा होने लगे तभी उसको निकाल लेना है। पनीर को मतलब अच्छे से भून लीजिएगा, बस ज़्यादा नहीं भूनना, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। पनीर भुनने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने प्याज को इस तरह से कट कर लिया था, और मैं इन प्याज को भून के अलग से निकाल लूँगी। यहाँ पे देखिए पनीर मैंने निकाल लिया है, और अपने हमारी शिमला मिर्च भी देखिए मैंने क्यूब्स में कट करके रख लिया है। प्याज और इसको शिमला मिर्च को मैं एक ही साथ भून लूँगी क्योंकि दोनों मतलब हमें भूनना नहीं है, मतलब हल्का सा बस इसको करना रहता है, हमें क्रंची क्रंची सी ही रखनी होती है क्योंकि ज़्यादा गलने पर फिर वो कढ़ाई पनीर में रेस्टोरेंट स्टाइल वाला जो टेस्ट होता है वो नहीं आएगा गाय। हल्का हल्का बस इसको, और हमें मतलब तेज़ फ्लेम करके बस फटाफट इसको इस तरह से करना होता है।
अब हमारी जो शिमला मिर्च और प्याज है वो भुन गई है गाय, जब मैं इसको निकालूंगी इनको भी निकाल के साइड कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए जो हमारे जो टमाटर प्याज सब कुछ मैंने जो मतलब भुनने के लिए रखा था वो भी अच्छे से बस गल गए हैं। टमाटर हमें इतना ही भूनना है उसको, हमें मतलब प्याज पहले पूरी तरह से पकाना नहीं होता, बस हल्का हल्का पकाना। तो देखिए मैंने ग्राइंडर में सबको डाल के पीस लिया है और अब मैं इसको एक मोटी जो सीव होती है हमारे जो मतलब मेरे जूस वाली सीव होती है मैं उसमें से छान के रख लेती हूँ इस ग्रेवी को। उसके बाद मैं फिर से थोड़ा सा जो लेफ़्ट ओवर तेल था उसी को गर्म करती हूँ और उसमें एक तेज़पत्ता और आधा इंच जो दालचीनी का टुकड़ा होता है वो ऐड करूँगी। उसके बाद मैं आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च ऐड करूँगी। और गाइस कश्मीरी मिर्च ऐड करते ही आपको अपनी प्यूरी इसमें यहाँ पे डालनी है जो ग्रेवी हमने बनाई है। ज़्यादा देर रखेंगे तो मिर्च चल जाएगी और वो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो कश्मीरी मिर्च डालते ही तुरंत हमें अपनी ग्रेवी इसमें ऐड करनी होती है। ग्रेवी देखिए हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें जो हमारे बेसिक से मसाले होंगे ज़्यादा नहीं ऐड करने, हमें थोड़े से ऐड करने हैं एक दो मसाले ही। तो मैं एक मतलब 1/4 टेबल स्पून लेंगी यहाँ पे हल्दी पाउडर, उससे भी कम आप लोग ले सकते हैं। एक चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर और अब बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमें तब तक इसको पकाना है कि जब तक जो मसाले तो हमने कुछ इतना ऐड किए ही नहीं है बस, लेकिन जो हमने डाले हैं वो ही तेल देखे यहाँ पे छोड़ना शुरू कर दिया है। एक चम्मच मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी अपनी ऐड की है, कसूरी मेथी के साथ ही यहाँ पे देखिए अमूल फ्रेश क्रीम जो आती है मैंने वो ली है, 2 टेबल स्पून आप लोग ये क्रीम ऐड कर दीजिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मुझे गाइस पर्सनली अच्छी लगती है इसलिए मैं डालती हूँ, वरना जो शाही पनीर होता है उसमें तो ऐड करनी ही होती है, लेकिन मतलब इसमें कढ़ाई पनीर में ऑप्शनल है, आप लोगों को अच्छा लगे तो डालें, मुझे अच्छी लगती है। और आप लोग भी ट्राई करके देखिए बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। अगर आपके पास घर की जो मलाई होती है वो भी डाल सकते हैं। क्रीम डालने के बाद जो हमारा प्याज और जो शिमला मिर्च मैंने भून के रखी थी वो ऐड कर देंगे। इसको 2 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट पकाने के बाद इसमें फिर हम अपना जो पनीर भून के रखा है उसको भी ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे तेल धीरे धीरे ओज आउट होने लगा है, इसका मतलब है कि हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक रही है, सब्ज़ी में जो मसाले हैं वो अच्छे से पक गए हैं। यहाँ पर मैंने पनीर भी ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के थोड़ी देर पकाएँगे, 1 से 2 मिनट मैक्सिमम बस। उसके बाद इसमें मैं लास्ट इंग्रेडिएंट अपना ऐड करती हूँ, 1/4 टेबल स्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसमें ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा करना चाहें अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग, गरम मसाला ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा ही इसमें ऐड करूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी थोड़े मसाले हो चुके हैं, खड़े मसाले भी थे। और इस वाले स्टेज पर मैंने जो तेज़पत्ता और वो डाला था अपना दालचीनी का टुकड़ा वो मैंने निकाल दिया था। देखिए यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर दिया है, गरम मसाला ऐड करने के बाद बस हमारा फाइनल तक सब्ज़ी में आ गया है। इसके बाद थोड़ा सा नमक मतलब मैंने टेस्ट करके देखा था मुझे कम लगा था, क्योंकि जो हमने टमाटर वगैरह गलाने के लिए भी मैंने नमक ऐड किया था। अगर आपको भी अगर कम लगता है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नहीं अगर ठीक हो तो रहने दीजिए। यहाँ पर हरा धनिया मैंने लास्ट में कट करके डाल दिया। देखिए हमारी सब्ज़ी फाइनली बन के रेडी हो गई गाइस। इस सब्ज़ी को आप पराठे रोटी नान किसी के साथ भी खाई बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।